क्वांटिक सॉर्ट और जो प्रीवियस एल्गोरिथम्स हमने देखी हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस उनमें और इस एल्गोरिथम में है कि जो प्रीवियस एल्गोरिथम जितनी हमने देखी हैं अभी तक, तो उसमें हमारे पास जो टाइम आया है सबसे बेहतर वो एन लॉग एन है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में उससे बेहतर हम नहीं हो रहे किसी सूरत में, तो फिर उसका क्या हल है, क्या किया जाए? तो अब हम कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें हम लीनियर टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकें सॉर्टिंग को, यानी कि जितनी डाटा है उतना ही टाइम लगे रैदर देन के उससे ऊपर लगे जैसे कि एन लॉग एन में या एन स्क्वायर में लगता है। तो इसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज काउंटिंग सॉर्ट एंड अदर वन इज रेडिक्स सॉर्ट, जिसमें बेसिकली इसी चीज को डिस्कस किया गया है कि हाउ टू गेट द लीनियर टाइम, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिदम्स हैं, ये लीनियर लीनियर टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है काउंटिंग सॉर्ट। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एल्गोरिदम को, फिर उसका ड्राई रन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम इसका एनालिसिस देखेंगे, ठीक है जी। तो अभी ये आपके सामने आपको नजर आ भी रहा है कि काउंटिंग सॉर्ट की एल्गोरिदम लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब सबसे पहले एक चीज और मैं बताता चलूं कि ये जो एल्गोरिदम है इट इज नॉट बेस्ड ऑन कंपैरिजन, बट ऑन द अदर हैंड द एल्गोरिदम्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ कंपेरिजन्स बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने ये एक ओवरऑल एक चीज है, अगर आपने गौर किया हो तो तमाम जो एल्गोरिदम्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं तो उसमें कंपेयर किया जा रहा होता है एक वैल्यू को दूसरी के साथ कंपेयर करके, तो फिर हम छोटा बड़ा का छोटी बड़ी वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, उसके मुताबिक हम उसकी पोजिशनिंग करते हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग सॉर्ट है ना इसमें कंपैरिजन नहीं होते, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इस एल्गोरिदम का और बाकियों का। इसमें हमारे पास क्या है, एक अरे है ए जो के 1 to n तक होगा, ये आपका डाटा है जिसको आपने सॉर्ट करना है। एक आउटपुट अरे है बी जिसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या होगा, सॉर्टेड डाटा आ जाएगा जो आपने सॉर्ट किया आपके एल्गोरिदम में। इसके अलावा हमें एक और एक्सिलरी स्टोरेज चाहिए, एक और अरे होगा जो कि 1 to k होगा, ठीक है जी। तो ये 1 to k, तो 1 to k के भी कोई नंबर है, ठीक है, और ये k और n दो मुख्तलिफ नंबर हैं, ठीक है। n हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और k इसमें क्या है, तो k हमारे पास है कि आपका जो केस में हमारे पास है कि आपका जो डाटा है ना उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी एक चीज नहीं आ रही है कि आपका डाटा है, तो आपको आपको अगर बिफोर हैंड पता है कि ये जो मैंने डाटा को सॉर्ट करना है तो इसमें सबसे बड़ा जो बड़ी वैल्यू है वो 100 है, तो के आपकी 100 होगी, ठीक है। अगर जो डाटा है उसको आप सॉर्ट करने लगे हैं तो आप कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो तो 1000 है, तो वो की आपका होगा, ठीक है। तो ये फिर क्या है, आपके डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी की होगी, ठीक है। तो गिवन दीज अरेज अब हम चलते हैं एल्गोरिदम के ऊपर कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगी। तो अब इसमें देखें कि इसमें फोर लूप्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पहला लूप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा लूप है, ठीक है जी। टोटल फोर लूप इसके अंदर काम कर रही है काउंटिंग सॉर्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लूप चलता है ये 1 to k चलता है और क्या करता है, सी के तमाम एलिमेंट्स को जीरो, सी के तमाम खानों को, सी के तमाम पोजीशंस को जीरो असाइन कर देता है। तो ये हमारा जो सी है वो एक अरे है जो मैंने आपको बताया है और 1 to k तक जा रहा है, यानी कि आपके डेटे के जो सबसे बड़ा नंबर है वहां तक इसकी पोजीशन है। अगर 1 to 100 है तो ये 100 इसके अंदर सेल्स हैं,
तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी सेल्स, जितने भी ये नंबर होंगे, सबको क्या करेगा, पहले में जीरो साइन कर देगा, सबके अंदर जीरो पुट कर देगा। पहला पहला लूप ये काम कर रहा है, ठीक है, सबको जीरो साइन कर देगा। हाँ जी, इसके बाद बेटा हम चलते हैं दूसरे लूप के ऊपर। तो ये 1 to n है, और ये क्या करता है जी, ये बेटा हमारे पास ए एफ जे, अच्छा अब इसमें देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ए जो है वो क्या है, बेसिकली वो डाटा है जिसको हमने सॉर्ट करना है, और इसके बाद हमारे पास एक और अरे है बी, इसमें वो डाटा आएगा जो सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो अब इसमें अब दूसरे लूप में क्या हो रहा है, ए एफ जे यानी कि जे अब 1 2 3 up to n जाएगा, तो ए एफ जे यानी कि यहाँ पे जो अब जे 1 2 3 यानी कि जहर है इसका पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसका सी एफ डेड वैल्यू, ठीक है, सी एफ डेड वैल्यू वो फर्ज करें पहले सेल के अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा सी एफ 10, ठीक है। सी एफ 10 को असाइन कर दो, यहाँ पे आपने देखा है कि सी एफ 10 कहाँ पे है, फर्ज करो ये है आखिरी नंबर है, फर्ज कर लेंगे ये आखिरी नंबर है, ये सी एफ 10 है, तो क्या करना है इसमें, क्या करें, एक का इजाफा कर दें, तो यहाँ पे पहले क्या हमने जीरो पुट किए थे, तो यहाँ पे एक का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, और फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर ए को रीड करेगा तो अगले एलिमेंट को देखेगा कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, और उसको पकड़ेगा, और सी एफ जो भी वो नंबर होगा उस खाने पे जाएगा, और उस खाने पे जाके उसमें ए का इजाफा कर देगा, अगर जीरो है तो 1, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप चलता रहेगा, तो ये लूप इस तरीके से सारा काम खत्म कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जरा इसका हम एक एब्स्ट्रैक्ट वे से देखें तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली देख रहा है जो हमारा अरे है ना, इनपुट अरे, उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं 1, 5, 10 कुछ जितने भी जो जो एलिमेंट्स हैं, तो ये यहाँ पे सी में उनका काउंट डेवलप कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो कभी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप कभी बैंक में गए हों और आपके पास काफी ज्यादा कैश है और आपने सबमिट करना है उधर अपने अकाउंट में, तो क्या करता है जो कैशियर है ना, उसका कुछ करने के अक्सर बैंकों में मैंने शायद देखा है, वो उनके काम करने का स्टाइल क्या होता है, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया कि आप नोट हैं आपके पास मुख्तलिफ वैल्यू के, तो क्या करता है वो सबसे फर्ज करें वो 50 के नोट्स हैं, तो वो 50 के सब नोट्स को लेता है, काउंट करता है और अपने पास लिख देता है 50 into जितने नोट होते हैं 10 हैं या 15 हैं जितने हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो आपके पास 100 के नोट्स हैं उसको काउंट करता है, तो वो फिर आगे लिख लेता है कि 100 into जितने नोट होंगे, फिर क्या करता है वो, फिर अगर 1000 के नोट्स हैं तो वो क्या करता है उसको 1000 into जितने नोट्स होते हैं करता है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके वो लेता है और फिर सबको ऐड कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या किया होता है, वो काउंटिंग कर रहा होता है कि ये 50 के इतने नोट हैं, 10 के इतने हैं, 100 के इतने हैं, 1000 के इतने हैं। तो यहाँ पे भी ये जो सी है ना, इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो अरे है उसमें जो डेटा आया है तो वो उसमें एक 1 value कितनी दफा आई है, 2 value कितनी दफा आई है, 3 value कितनी, मैं सपोज कह रहा हूँ, हमें क्या पता कि क्या होगा डेटा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि 4 value कितनी दफा आई है, 5 value कितनी दफा आई है, तो जाहिर है अगर 1 value एक दफा आई है तो वो एक ही रहेगी, तो अगर 1 value रिपीट हो रही है तो फिर क्या होगा कि उसकी जो टोटल काउंट बनेगा तो वो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा कि ये फलानी वैल्यू इतनी दफा रिपीट हो चुकी है, ठीक हो गया जी। तो ये इस अरे जो सी है इसका काम है, तो ये काउंटिंग हो रही है, तो दिस इज हाउ आई गेस कि इसका काउंटिंग सॉर्ट भी नाम पड़ा है कि ये इसमें इस तरह की काउंटिंग होती है, ठीक हो गया सर जी। सर हम ये कह रहे हैं कि जो अरे ए है जिसको हम इनपुट जो है वो अरे कह रहे हैं, हम उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उसको सी में रख रहे हैं। हाँ जी, सी में नहीं रख रहे हैं, उनका काउंट सी में रख रहे हैं, एलिमेंट उधर ही हैं, हम काउंट कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं कितने कितने एलिमेंट कितनी दफा आए हैं, ये गिन रहे हैं।
कौन सा एलिमेंट कितनी दफा है, गिनने का अमल कहाँ पे हो रहा है? गिनने का अमल इसके लूप, दूसरे लूप के अंदर, बताएं दूसरे लूप के अंदर कैसे हो रहा सर वो देखें, ए जे जो है फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास अरे है, और ए जे जे है। उसके अंदर वन से लेकर एंड तक है ना, तो जे में फॉर एग्जांपल पहले वाले में टू पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सी टू, यानी सी टू यानी सी अरे है, उसके जो सेकंड वाला इंडेक्स होगा उसमें क्या जाएगा, उसमें उसमें वन ऐड कर देगा, थ्री थ्री जाएगा उसमें। नहीं, आगे लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ, बताएं क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पूरी आगे पढ़ें ये इस बार। लिखा हो ना कि अब यहाँ पे सी टू आ चुका, तो अगले वाले में सी टू प्लस वन, तो इसका मतलब टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री जाके रखेगा। नहीं, अब ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे बात जो हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए, इस सारे, ये जो सारी सी एफ ए एफ जे, इस एंड रिजल्ट निकलेगा लोकेशन ऑफ सम सेल सी, ये सी की कोई लोकेशन है, और यही सेम चीज इधर आ रही है, वही सेम चीज आगे है, तो इसका मतलब है इस लोकेशन पे प्लस वन कर दो। अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा सा हासिल है, तो आपको इस चीज का बड़े इजीली पिक कर लेंगे, इस चीज को समझिए। अब दो चीजें आप कंफ्यूज, आपकी बात से जो मुझे थोड़ा सा सेंस मैं कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों में, एक है कि इंडेक्स और एक है जी वैल्यू, ठीक है। तो ये साउंड, ये काउंटिंग सॉर्ट इसी तरह की एक कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है ऑल दो बड़ी आसान है, लेकिन इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन वैल्यू एंड इंडेक्स, ठीक है। तो आपने जरा फोकस करना है, मेरी जो आपने बात बैंक वाली बात है उस पर गौर करना है। तो मैंने एनालॉजी इसी तरह इसलिए दी आपको कि आप समझ सकें, प्रोसेस को समझ सकें कि क्या हो रहा है, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, मैंने आपको बता दिया कि वो नोड्स हैं, नोड्स से मुराद आपके इनपुट डाटा है आपका, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, आपने उसको सबको अलहदा करना है, और अलहदा करके काउंट करना है कि कितने 100 के नोड कितने दफा आए हैं, 1000 के नोड कितने दफा आए हैं, 500 के नोड किस तरह कितनी दफा आए हैं। तो ऐसे ही जो ए सेल है, ए अरे है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हमने उनका काउंट करना है कि वन कितनी दफा आया, टू कितनी दफा आया, थ्री कितनी दफा आया। तो सी के अंदर उनका काउंट पड़ा होगा, ठीक है। सी के अंदर क्या पड़ा होगा, उनका काउंट पड़ा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक और एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि ये आप में भी और कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे नहीं है तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक और एंगल एक मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें ये एक एंगल है, ये बकेट है, ये इसमें टू है, बकेट का नाम टू है, ये एक बकेट है इसका नाम फाइव है, और ये एक बकेट है उसका नाम सेवन, ठीक है। तो अब देखें, अगर मेरे पास ए में टू आ गया, तो मैं यहाँ पे एक एक उसको कर देता हूँ, ठीक है। और अगर फाइव आ गया तो उसको एक कर देता हूँ, अगर सेवन आ गया तो उसको एक कर देता हूँ, तो आगे मैं जाता हूँ सेवन फिर आ गया तो मैं सेवन को टू कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगर सेवन फिर आ गया तो मैं सेवन को थ्री कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बकेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जितनी दफा आ रहा है, मैं उसको इंसर्ट करता जा रहा हूँ, उसका काउंट वन टू इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इसका भी इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। अब कौन सा नंबर है, वो उसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये दो नंबर बकेट है, ये पांच नंबर बकेट है, ये सात नंबर बकेट है, सर हम ये। इंडेक्स इंडेक्स कह रहे हैं, इंडेक्स को बकेट कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें दो दो जो है, हम कह रहे हैं कि ये जो टू नंबर है ना, ये जो उसका इंडेक्स है, ये इसको मैं बकेट का नाम दे रहा हूँ, इसके अंदर जो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये दो पांच दफा आ गया, 10 दफा आ गया, जितनी भी अंदर वैल्यू होगी, ऐसे पांच है तो उसके अंदर कितना, पांच कितनी दफा आ गया, तो बाहर सात है तो सात कितनी दफा आ गया। तो यहाँ सी के ऊपर भी यही केस है कि यहाँ पे इसका इंडेक्स वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है। तो अब जो पहला सेल है वन, तो वन का मतलब है कि वन कितनी दफा आ गया, तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसका काउंट है कि ये इतनी दफा आ गया। फिर बाहर इंडेक्स है टू, तो उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी, वो बता रही होगी कि ये टू कितनी दफा आ गया, ठीक हो गया। जी चलें सर, आगे, ठीक है। अब आगे ड्राई रन करेंगे मजीद, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। अब जो थर्ड लूप है वो क्या करता है, आई टू टू के सी एफ आई
असाइन कर उसको हो जाए सी एफ आई प्लस सी एफ आई माइनस वन, यानी कि ये बेसिकली अगर देखें तो सी सी अरे के ऊपर ये लूप चल रहा है, और ये टू से स्टार्ट होगा यानी कि दूसरे सेल से स्टार्ट होगा, और क्या करेगा सी एफ आई यानी कि दूसरे सेल के अंदर क्या पुट करेगा, क्या रखेगा, सी आई प्लस सी आई माइनस वन, क्या करेगा सी इस दूसरे के अंदर इसकी जो वैल्यू है जो पड़ी होगी और जो पिछले की वैल्यू पड़ी होगी दोनों को ऐड करेगा और वो इसके अंदर रख देगा। ठीक हो गया, फिर यार लूप ये ऊपर वाला चलेगा। सी आई पहले तो बता देना, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर दें क्या कह रहे हैं? सर, सेकंड लूप को कंप्लीट कर दें, वो हमने जे तक देखा ना, जे प्लस वन तक, आगे वो क्या कह रहा है सी आई में की रखता है। वो उसको छोड़ दें, उसको फिलहाल आप इसको इग्नोर कर देंगे वाले। ठीक है, वो एक्सप्लेन थोड़ा सा किया हुआ उसने इसको, यहां तक बस आप समझिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरा जो लूप है मैं आपको समझा रहा हूं, इसको जरा गौर से समझें कि क्या हो रहा है कि जो सेल करंट सेल है वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू और पिछले की वैल्यू को ऐड किया जाएगा और करंट सेल में आ जाएगी। ठीक है, जैसे टू पहला और करंट सेल है तो इसमें क्या होगा कि इसकी वैल्यू और पिछले की वैल्यू दोनों को मिला के इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर जब लूप थ्री के ऊपर आएगा तो फिर जो इसकी थ्री की वैल्यू होगी और जो पीछे आप टू के अंदर नई वैल्यू होगी दोनों को ऐड किया जाएगा और थर्ड में आ जाएगा। फिर लूप फोर में आएगा तो फोर की जो वैल्यू होगी और जो पीछे वैल्यू होगी थ्री के अंदर उनको ऐड किया जाएगा, फोर के अंदर आ जाएगा। और फिर ऐसे ही आगे फाइव है तो फाइव की वैल्यू और पिछली फोर की वैल्यू को ऐड करके इधर रख दिया जाएगा। और फिर लास्ट अगर एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू और पिछली वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड लूप का ये काम है। तो ये जो अभी तक हमने तीन लोग देखे हैं तो ये अभी तो हम ऐसे ना सेटअप कर रहे हैं चीजों का। ठीक है, तो अभी असल काम शुरू नहीं हो रहा, अभी हम सेटअप किया तीनों के अंदर। जो असल काम हुआ है वो फोर्थ लूप के अंदर हुआ है जो कि बेसिकली डेटा को सॉर्ट कर रहा है। अब ये क्या है कि एन से लेके हम ए तक वापस आएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, अब ये इस चीज को फिर समझना है कि बी एफ सी एफ ए एफ जे को साइन हो जाए ए एफ जे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने फोकस करना है वैल्यू के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर, कि वैल्यू डिफरेंट थिंग है और इंडेक्स डिफरेंट है और दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका फर्क आपके जहन में होना चाहिए। तो अब ए एफ जे पहली आइटरेशन की बात हम करें तो जे फर्ज करें अगर 10 है, अगर एन 10 है और जे को 10 साइन हुआ है, एक रे में 10 नंबर है फर्ज करें ए में, तो ए एफ 10, तो ए एफ 10 पे जो वैल्यू पड़ी होगी जो भी होगा काउंटिंग चार्ट में जो भी वैल्यू ए एफ 10 पे पड़ी होगी वो सी एफ डेड वैल्यू हो जाएगी। तो वो सी सी अब ये सी ये हमारे पास रे है तो सी एफ क्या हो सकता है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो बी एफ डेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो बी हमारे पास एक आउटपुट रे है तो वो बी एफ वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्ज करें वो इस इंडेक्स पे हम चले जाएंगे तो फर्ज करें ये एक पहला इंडेक्स आइडेंटिफाई हो जाता है। जब ये इंडेक्स आइडेंटिफाई हो जाता है इस सारे प्रोसेस से बी एफ सी एफ ए एफ जे से, तो उसको हम क्या करेंगे ए एफ जे असाइन कर देंगे। तो ए एफ जे यानी कि एन वैल्यू है यानी कि आखिरी नंबर है वो हम फर्ज करें ये है, तो इसको यहां से उठाएंगे और उसका जो आखिरी नंबर है ए एफ जे का उसको उठा के बी के जो पोजीशन हमने आइडेंटिफाई की है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे ए एफ जे हमारे पास जो नंबर है उसकी सी वाली लोकेशन पे जाएंगे और क्या करेंगे उसमें ए की कमी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लूप के अंदर दो स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं कि एक जो हमारे पास क्या है जो रे है ए उसकी वैल्यू को पिक करेंगे, उसको उसको सी के थ्रू मैप करते हुए उसकी जगह फाइंड करेंगे बी के अंदर, बी आउटपुट रे के अंदर। ठीक है, जब जगह आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम उसको वहां पे क्या करेंगे सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है, ए से उठा के उसको बी में उस जगह पे रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर जो सी है सी रे है तो जो जहां से हमें रेफरेंस मिल रहा था बी का तो उसमें ए की कमी कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे आपको समझाना, तो आगे एग्जाम्पल आ रही है ड्राई रन तो उसमें ये मजीद आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है,
तो अब ये आपके साथ एक पास एक एग्जांपल है, ए अरे है उसमें 1 to 5 तक जा रहा है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 1 3 4 3, ठीक है। और एक सी हमारे पास एक्सिलरी अरे है, उसमें हमने 4 सेल लिए हैं, उसके ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो 4 इंडेक्स हमने क्यों लिया है, 5 क्यों नहीं लिए, 10 क्यों नहीं लिया, सी की वैल्यू हमने 4 सेल तक क्यों रखी है, कोई बता सकता स्टूडेंट? सर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एरे ए में 4 है इसलिए। हाँ शाबाश, क्योंकि अरे ए में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इसलिए हमने इसके 4 सेल क्रिएट किए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरा अरे है बी, जिसके अंदर हमने सॉर्टेड डेटे को प्लेस करना है, ठीक है बेटा। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। लूप 1, जो पहला लूप है वो क्या करता है बेटा, वो सी जो हमारे पास अरे है उसमें तमाम वैल्यूज को 0 असाइन कर देता है। तो देखें ये नीचे लूप लिखा हुआ है कि वो क्या है, और आगे आप देखेंगे उसने सी की सारी वैल्यूज को 0 असाइन कर दिया, ठीक है जी। ये मैं जल्दी से स्टेप करता हूँ, ये आई होप कि आपको समझ है। अच्छा, उसके बाद है सेकंड लूप। तो सेकंड लूप ये आपके सामने है। तो सेकंड लूप क्या करता है बेटा, सेकंड लूप है वो काउंट करता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं और कितनी दफा हैं। तो आप देखें उस क्या करेगा, 1 से n तक जाएगा तो वो पहले नंबर को देखेगा, पहला नंबर क्या है 4, तो वो यहाँ पे 4 बकेट में आएगा और इसको 1 इनक्रीज कर देगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है 1, तो वो 1 नंबर बकेट में आएगा और उसमें 1 का इजाफा कर देगा, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट है 3, तो वो 3 नंबर बकेट में आएगा और उसमें 1 का इजाफा कर देगा। चौथा एलिमेंट है 4, तो वो जब 4 पे आएगा तो 4 पे पहले से 1 मौजूद था, तो वो 1 में इजाफा करेगा तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली आइटरेशन में वो 3 नंबर है, तो वो क्या करेगा, 3 भी आएगा तो 3 पे पहले 1 नंबर मौजूद था, तो आप उसमें 1 का इजाफा कर देगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए अब दूसरा लूप एंड हो गया। दूसरे लूप में क्या काम हुआ, हमने जो बकेट बनाई थी, पहले लूप में हमने सबको 0 साइन किया था, दूसरे लूप में हमने बताया कि हर बकेट में कितने नंबर कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, तो 1 में 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखें इस डेटे में 1 कितनी दफा आया, 1 दफा आया, इसका मतलब ठीक काम हुआ है। दूसरी बकेट में 0 एलिमेंट है, तो देखिए अरे में कोई 2 मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसने सही काउंट किया है। अब जो 3 है वो कितनी दफा है, इसमें काउंट करें 3 1 2, तो 3 2 दफा आया, तो इसने भी 2 दफा ही काउंट किया, तो ये भी ठीक हो गया। अब देखेंगे 4 कितनी दफा आया, तो इस रे में 4 2 दफा आया है, तो यहाँ पे भी देखें उसने उसका काउंट क्या किया हुआ है, 2 किया हुआ है, तो इसका मतलब है इस रे ने ठीक काम किया है, ठीक है, सही काउंटिंग की हुई है। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड लूप के ऊपर। तो अब थर्ड लूप जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक अपनी आसानी के लिए एक सी डैश के नाम से एक और इस सी की ही कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो के ये सारा काम सी के अंदर हो रहा है, लेकिन समझने के लिए हम सी डैश की एक कॉपी अलग से बना लेते हैं ताकि हम समझ सकें क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे प्रोग्राम में सिर्फ सी ही चल रहा है, वो खुद ही अपडेट किए जा रहा है, तो समझने के लिए है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थर्ड लूप के अंदर i2 से लेकर k तक चलते हैं, तो CFI को हम साइन करते हैं CFI+CFI-1, यानी कि करंट वैल्यू में पिछली वैल्यू ऐड करके उसको करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि 2 से स्टार्ट करना है, तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो पिछली इसमें 0 पड़ा है और पीछे पड़ा है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया पहली आइटरेशन में, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इस सेल के ऊपर, थर्ड के ऊपर। तो आप देखें इसमें पड़ा है, ऊपर देखें 2 पड़ा है और पीछे जो अपडेट होगी आगे वैल्यू आ गई है 1, ऊपर 2 है नई वैल्यू और नीचे दोनों ऐड हो गए, जो अपडेटेड वैल्यू है वो 1 है, तो इसको ऐड करेंगे 2 और 1 को, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही हम जब आखिरी पे जाएंगे तो ऊपर देखें वैल्यू है 2 और पीछे जो अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है वो है 3, तो ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये लूप जो थर्ड लूप है ये काम कर रहा है। अगेन मैं इसको दोबारा समराइज कर रहा हूँ पिछले तीनों लूप्स को, कि पहले लूप में हम सी की तमाम वैल्यूज को 0 साइन कर देते हैं, दूसरे लूप में हम काउंट करते हैं
कि कौन सा नंबर कितनी दफा आया है और उसका जो काउंट है वो हम सी अरे के अंदर पुट करते हैं, और तीसरे लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम सी अरे के ऊपर कुछ काम करते हैं, और वो काम क्या करते हैं, हम ये करते हैं बेटा कि पिछली पहली दो वैल्यूज को ऐड करके दूसरी में पुट कर देते हैं, फिर जो उसके बाद जो उससे तीसरी वैल्यू पे जब आएंगे तो फिर तीसरी और दूसरी को ऐड करके पुट कर देंगे, फिर चौथी पे आएंगे तो चौथी और पिछली वैल्यू को ऐड करके वहां पे पुट कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये काम तीसरी में हो रहा है, तीसरे लूप में हो रहा है। अब जो मेन लूप है फोर्थ लूप, उसमें हमने बी जो अरे है उसके अंदर डेटे को प्लेस करना है। तो अब जरा गौर से आपने देखना है, अगर एक आल्ट्रेशन समझ जाएंगे तो फिर सारी समझ जाएंगे आप। एन टू वन आना है, यानी कि हमने एन से यहां से शुरू करना है, आखिरी नंबर से शुरू करना है ए के। ठीक है, तो यहां से हमने वापस इधर वन की तरफ आना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देखे हैं, सबसे पहले ए एफ जे, यानी कि ए एफ फाइव, एन फाइव ऐसा होगा। ठीक है, तो ए एफ फाइव, ए एफ फाइव में क्या पड़ा हुआ है, ए एफ फाइव में बेटा हमारे पास पड़ा हुआ है थ्री। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सी एफ थ्री। तो सी एफ थ्री किधर है जी, सी एफ थ्री ये है। ठीक है, ये सी अरे है और ये सी एफ थ्री ये है। ठीक है, सी एफ थ्री की के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी एफ थ्री के अंदर बेटा पड़ा हुआ है थ्री। ठीक है, तो फिर हो जाएगा बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री किधर है जी, ये इसके इंडेक्सेस हैं, तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, ये फोर है, तो ये फाइव है। ठीक है, तो सी एफ थ्री ये सेल है। ठीक है, ये इसको हमने पकड़ा, इसको आइडेंटिफाई कर लिया और क्या किया, इसमें ए एफ जे की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि ये जो थ्री है उसको उठा के हमने यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, यहां से डाटा हमने कॉपी करना है इस रे के अंदर वाया सी। ठीक है जी, सी हमें बता रहा है कि कहाँ पुट करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पुट करना चाहिए, जैसे आप ऐसे ही है, जैसे आप किसी फैक्ट्री में हैं या किसी भी वर्किंग प्लेस पे हैं, तो एक मजदूर है लेबरर, तो वो बाहर से गाड़ी से सामान उठा के लाता है, तो एक मैनेजर है तो खड़ा हुआ है उस हाल में स्टोर में, तो वो उसको बता रहा होता है कि भाई अच्छा ये डब्बा इधर रखो, ये डब्बा इधर रखो, ये डब्बा इधर रखो, ये इधर रखो, ये इधर रखो, क्योंकि उसको पता है, मैनेज कर रहा है, उसको पता है कि क्या क्या आसानी रहेगी, मैं कौन सी चीजें कहाँ पे प्लेस करूँ तो मुझे आसानी रहेगी, मैनेज बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी मैनेजर का काम कर रहा है, ए से ए जो है ना वो वहां से आपके इनपुट आपकी गाड़ी से आ रही है, बी आपका स्टोर है। तो ये अब डाटा थ्री जो है ना सी के थ्रू हमें पता चला कि हमने थ्री को उठा के इस पोजीशन पे रखना है। ठीक हो गया, उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है और वो क्या कहती है, वो कहती है कि अब चूंकि हमने सी, ये सी डैश जो है ना ये समझने के लिए है, अरे उसमें एल्गो में इसकी कोई प्लेस नहीं है, बस समझने के लिए कि अब हमने क्या करना है, एक की कमी कर देनी है, कहाँ पे करनी है, जहां पे हमने रेफरेंस सी से रेफरेंस लिया है, तो सी पे रेफरेंस कहाँ पे लिया है, अगर देखें तो यहां से लिया था, ये थ्री वैल्यू थी तो इसमें एक की कमी कर देंगे तो टू हो जाएगी, ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। अब इसके थ्रू भी एक दफा देख लेते हैं, ए एफ जे, ए एफ जे हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास था फाइव ए एफ जे, तो ये हमारे पास है ए एफ जे, सॉरी ए एफ जे इसके अंदर वैल्यू है थ्री, तो सी एफ थ्री, तो सी एफ थ्री बेसिकली ये था। ठीक है, ये थर्ड सी एफ थ्री को क्या साइन हो जाए, ए एफ जे सी एफ जे, यानी कि यही इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है विच इज नाउ थ्री, उसमें से एक की कमी कर देंगे, तो एक इसमें से कम कर दिया तो जो न्यू अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे सामने मौजूद है विच इज टू। ठीक है बेटा, तो ये है पहली आइटरेशन, पहली आइटरेशन में हम क्या करते हैं, ए की जगह आइडेंटिफाई करके सी के रेफरेंस से बी में उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम सी को अपडेट कर देते हैं, ये पहले चक्कर की बात होगा। फिर दूसरा चक्कर चलेगा, तो हम चूंकि एन से वन की तरफ आ रहे हैं, डाउन टू वन आ रहे हैं, तो अब ये हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे फोर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फोर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें ए एफ जे, ए एफ जे के अंदर पड़ा हुआ है फोर, तो सी एफ जे यानी कि सी एफ फोर, सी एफ फोर ये है, सी एफ फोर के अंदर फाइव पड़ा हुआ है, तो ये बी एफ फाइव हो जाएगा।
बी एफ फाइव, तो बी एफ फाइव कौन सा सेल बनता है बेटा? ये सेल बनता है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पुट करना है? ए एफ जे, यानी कि ये जो फोर है ना, ये था कि हमने बेसिकली इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप पे हमने सी की वैल्यू कम करनी है, कौन सी करनी है? ए एफ जे। ए एफ जे में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? फोर, और सी एफ जे सी एफ फोर। सी एफ फोर इस वक्त हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो सी एफ फोर में हमने ए की कमी कर देनी है, तो उसमें ए की कमी कर दी, तो वो क्या हो गया बेटा? फोर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड लूप पे चलते हैं, थर्ड आइटरेशन पे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो है जे की वैल्यू थ्री है, तो हम ए एफ जे के अंदर थ्री ही पड़ा हुआ है, और सी एफ थ्री के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? हमारे पास टू पड़ा हुआ है, और हम बी एफ टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो दूसरी जगह है, दूसरी प्लेस है, बी एफ टू, यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या? ए एफ जे, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और अब हमने सी में कमी कर दी है, तो क्या करनी है? ए एफ जे, ए एफ जे हमारे पास है थ्री, और सी एफ थ्री, तो सी एफ थ्री हमारे पास ये हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है टू, उसमें ए की कमी करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगली आइटरेशन में हम, हमारे पास टू है, तो अब ये इसको, अब यहाँ पे देखें ए एफ जे विच इज टू, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वन, तो सी एफ वन, सी एफ वन की जो वैल्यू ये है, इसके अंदर वन पड़ा हुआ है, तो सी एफ वन को बी एफ वन कर देंगे, ठीक है। बी एफ वन हो जाएगा, तो बी एफ वन ये है, ठीक है। तो इस प्लेस पे क्या करे? ए एफ जे को पुट कर दे, तो ये वन को उठाएगा और यहाँ पे पुट कर देगा, ठीक है। और फिर अब क्या करेगा? ए एफ जे जो कि क्या है हमारे पास? वन, तो सी एफ वन ये जो जगह है उसको लेगा, और उसमें ए की कमी कर देगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी आइटरेशन में चले जाएंगे हम, और ए एफ जे जो इस वक्त है वन है, तो ए एफ जे में क्या पड़ा है? फोर, तो ये हो जाएगा सी एफ फोर। सी एफ फोर किधर है जी? ये है सी एफ फोर। सी एफ फोर में पड़ा है फोर, तो ये बी एफ फोर हो जाएगा, ठीक है। तो बी एफ फोर में हमारे पास ये सेल आ जाता है, ठीक है। तो ये सेल आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर हम इसमें क्या पुट कर देंगे? ए एफ जे, ए एफ वन को इधर उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? सी के अरे में कमी कर देंगे, तो कैसे करेंगे? ए एफ जे जो कि हमारे पास है फोर, तो ये सी एफ फोर, यानी कि ये जो नंबर हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें ए की कमी कर दी, ये थ्री हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि बेटा हमारे पास जो बी रे है उसके अंदर हमारा जो डाटा आ रहा है वो सारे का सारा क्या हो रहा है? एक सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो बी, दिस इज हाउ वी गेट द सॉर्टेड अरे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा काउंटिंग सॉर्ट है, ठीक है। अब हम इसकी जल्दी से इसका एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका रनिंग टाइम है, ये के तक चलता है, तो रनिंग टाइम इसका के है, ठीक हो गया। और थीटा ऑफ के होगा, सिंगल लूप है, ये भी सिंगल सिंगल लूप है सारे, तो इस ये एन तक चलता है तो इसका एन हो गया, ये के तक चलता है तो के है, ये एन तक चलता है तो एन है। तो जब हम इसको ऐड करके करेंगे तो हमारे पास ये एन प्लस के हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो के है, के दैट इज बिग ओ ऑफ एन, अगर हमारे पास के क्या है? बिग ओ ऑफ एन है, तो फिर क्या होगा? ये जो पोर्शन है ये के, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एन प्लस एन है, तो दोनों सेम लेवल पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा एन, ठीक है जी। इस तो इसका रनिंग टाइम है हमारे पास आ गया है, थीटा एन आ गया, ठीक है। तो अगर ये के ऑफ, अच्छा इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो के है ना, तो फर्ज करें अगर पीछे पांच नंबर थे, हमारा जो अरे है इसमें पांच नंबर हैं, ठीक है जी, इसमें पांच नंबर हैं और सबसे बड़ा नंबर फोर है, ठीक है। तो हमें हमें सिर्फ चार यहाँ पे सेल बने, तो फर्ज कर लें यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है ना वो 5000 है, अगर 5000 हो जाए, सबसे बड़ा नंबर 5000 हो जाए, तो फिर हमें कितने सेल बनाने पड़ेंगे यहाँ पे? 5000 हाँ 5000। सोचे जरा कि डेटा तो पांच नंबरों पे है, लेकिन यहाँ पे सी जो है ना वो 5000 सेल इसके क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए में जो नंबर है वो पांच है, एन फाइव है और सी 5000 है,
बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में फिर क्या होगा, फिर अगर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बात बेसिकली हो रही है एन प्लस के की, तो जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो अगर के हमने कहा कि बिग ओ ऑफ एन है, यानी कि अगर जैसे पिछली एग्जाम्पल है, अगर उसमें वो एन से छोटा है तो फिर तो एन आ जाएगा जे वाला, और अगर के 5000 है तो फिर एन नहीं आएगा, फिर के आ जाएगा, क्योंकि के बहुत बड़ा है, वो एन से बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इसकी ये एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह का डाटा होगा तो। एक्सक्यूज जी बेटा, मी सर, जी जी बोले। सर हम ये कह रहे हैं कि के की वैल्यू जब हमारे डाटा से बड़ी होगी तो हम जो है वो एन प्लस के ही करेंगे, मैं लेकिन ये अगर कह हमारे रहा हूँ, जी कि अगर के जो है इज इक्वल टू ओ ऑफ एन है तो फिर आंसर आएगा थीटा एन। ठीक है, और अगर हमारे पास के है, के बहुत बड़ा है एन से, के इज नॉट बिग ओ ऑफ एन, तो फिर वो आंसर आएगा थीटा के। ठीक है, तो दोनों लीनियर ही हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस में दोनों लीनियर है, कोई भी ठीक रहेगा। तो सर हम बिग ओ ऑफ एन कैसे निकालेंगे जब हम पहले थीटा ऑफ के निकाल सके, ये बिग ओ ऑफ एन कहाँ से आ रहा है सर? कौन सा बिग ओ ऑफ एन के इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन, ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ये निकाल, यार ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये निकाल कहीं से नहीं रहे, ये एक अलग बात, इसके अंदर से नहीं निकाल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी समझाया भी है पिछली स्लाइड में, कि आप, मैं आपसे ये एग्जांपल समझाइए ना आपको, कि अगर ये 4 आ रहा है तो ये तो सिर्फ 4 सेल बने हैं, तो ये बिग ओ ऑफ एन है, यानी कि एन एन में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और हमारे पास सी में भर रहे हैं 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 छोटा है, बिग ओ का मतलब यही होता है ना, लिमिट है, अपर लिमिट। यानी हम कह रहे हैं अगर डाटा इनपुट में इस तरह का आ जाए तो हमारा ये भी एक सिनेरियो होगा हाँ कि जी, हम के जो है बिग ओ ऑफ एन कर लेंगे, यानी अपर बाउंड करेंगे उसका के का। नहीं करने कर नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि क्या के क्या है। अगर के जो है वो एन के अंदर आ रहा है, बिग ओ ऑफ एन है, तो फिर आंसर आ जाएगा थीटा एन, और अगर वो नहीं है तो आंसर आ जाएगा आपका थीटा के। सिंपल। ओके सर। जी सर यहाँ पे तो हमारे पास ये लूप गिवन था, हमें पता चल रहा कि के एन से छोटा है, लेकिन हाँ अगर हमें सिर्फ कोड दिया और हमें ना पता हो कि एन की वैल्यू क्या होगी और के की क्या होगी, तो फिर हम क्या लिखेंगे बिगो में? बिग ओ में नहीं लिखेंगे। एन नहीं आएगा फिर भी, हाँ चाहे आपने जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि नहीं, अगर देखिए ना, ये अगर आपको नहीं पता कुछ भी तो फिर ये आएगा थीटा एन प्लस के, अगर आपको एन और के का नहीं पता। ठीक, मतलब सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दी थी कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू 5000 होगी तो जो हाँ के का लार्जेस्ट इंडेक्स होगा, मतलब के की वैल्यू 5000 होगी ना, तो वो तो एन से बड़ी होगी, हाँ जी बिल्कुल, तो फिर बिगो के होगा। हाँ जी बिल्कुल, थीटा ऑफ के। लेकिन अगर हमें एन और के की वैल्यू मालूम नहीं होगी तो फिर हम लोग बिगो एन नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे थीटा ऑफ एन प्लस के, अगर एन और के की वैल्यू नहीं पता। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा बेटा, अब इसमें ये तो एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो अब एक और कंसेप्ट जो अटैच है इस, हमारे पास जो एल्गोरिथम हमने अभी देखी है, काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट, इट प्रिजर्व्स द इनपुट ऑर्डर अमंग इक्वल एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्टेबल सॉर्ट क्या होती है? स्टेबल सॉर्ट बेटा ये होती है कि ये जैसे अरे ए है ना, तो यहाँ पे देखें कि ये जो 1 है ना, जब इसने सॉर्ट किया तो ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये जो 3 है ना ये यहाँ पे आ गया, और ये दूसरा 3 है ना उसके बाद आया, यानी कि जो इनपुट डेटा के अंदर जो तरतीब थी ना सेम नंबर्स की, अगर अगर सेम नंबर मौजूद है ए के अंदर, तो जो पहले नंबर था, सेम सेम नंबर जो पहले था वो ही यहाँ पे पहले आया, और ये जो बाद में था वो बाद में आया। ऐसे ही यहाँ पे 4 2 सेम नंबर हैं, तो जो पहले वाला 4 था वो पहले आ गया, और जो दूसरे वाला 4 था वो बाद में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही एल्गोरिदम को हम स्टेबल सॉर्ट कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यार ये भी क्या बात हुई, कि अगर सेम नंबर है तो आगे पीछे कर दे, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या पता चलेगा कि आगे कौन सा नंबर आ गया कौन सा नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट है, इसकी जो बात है खास बात, कि
जो सेम नंबर्स हैं तो उसमें सेम नंबर्स में भी जो पहले आया है वो पहले ही सॉर्टिंग में आ रहा है और जो बाद में आया वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या फायदा है, इसका क्या क्या होगा, इससे हमें क्या एडवांटेज होगा? तो इससे एडवांटेज ये होगा कि ये जो स्टेबल सॉर्ट है ना, ये आगे हमारे पास एक रेडिक्स सॉर्ट है, तो ये प्रॉपर्टी रेडिक्स सॉर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही है और जो इसकी आगे आके हेल्प कर रही है, ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे पास जो रेडिक्स सॉर्ट है वो क्या करती है कि सॉर्ट ऑन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट विद एक्सिलरी स्टेबल सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो नंबर है उसको सॉर्ट करेंगे विद सम स्टेबल सॉर्ट, ठीक है। तो स्टेबल सॉर्ट हमने अभी देख लिया, काउंटिंग सॉर्ट, यानी कि हम काउंटिंग सॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए सॉर्टिंग करेंगे। यानी कि ये एल्गोरिदम ऐसी है जो दूसरी किसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर रही है, और लेकिन उस एल्गोरिदम की खास बात ये होनी चाहिए कि वो स्टेबल होनी चाहिए, और हमने देखा कि काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिदम है। तो क्या इसका सिंपल सा करने का तरीका क्या है कि ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या एल्गोरिदम कैसे काम करेगी, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये 3, 2, 9, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तीन तीन के ऊपर है। तो यहाँ पे देखें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ये, इसको हम पकड़ेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को, और इसको क्या करेंगे, हम काउंटिंग सॉर्ट की मदद से इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और कीप इन माइंड कि ये जो 9 है ना, ये 3 to 9, जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये 9 के साथ ही 3 to मूव करेगा, 7 के साथ पूरा नंबर मूव करेगा, इस 7 के साथ पूरा नंबर मूव करेगा, इस 9 के साथ पूरा नंबर मूव करेगा, ठीक है। तो इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट को पकड़ा और अगले में हमने उसको सॉर्ट कर दिया बाय यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट। तो सबसे पहले ऊपर 0 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 0 कहाँ पे है, ये सबसे छोटा है, इसके साथ 7, 2 भी है, तो ये 7, 2 भी इसके साथ मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद 5 आ गया, तो 5 देखे कहाँ पे आ रहा है, ये है 5, तो 5 के साथ 35 भी मूव किया है। यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ पे है, उसके साथ पूरा नंबर मूव किया है। फिर 7, अब 2 7 आ गए हैं, तो हमने स्टेबल सॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पहला 7 वो पहले आएगा, तो पहला 7 है 4 5 7, तो ये पहले आ गया, और दूसरा 7 6 5 7 है, ये बाद में आ गया। इसी तरह यहाँ पे पहला 9 3 2 9 है, ये पहले आ गया, और जो दूसरा 9 है वो 8 3 9 है, ये बाद में आ गया, ठीक है जी। तो ये एक आइटरेशन है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब जो दूसरा डिजिट है उसको पकड़ना है और उसको सॉर्ट करना है। तो ये जो सिर्फ ये जो पिंक कलर में आ रहा है इसको हमने सॉर्ट करना है। तो यहां पे देखें कि सबसे छोटा 2 है, तो ये पूरे के पूरे नंबर को हमने उठा के सॉर्ट करना है। तो ये 2 का 2 7 2 0 आ गया, फिर देखें फिर ये 2 है ये दरम्यान में, तो ये 3 to 9, तो ये 3 to 9 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, फिर 3 नंबर आ गया, तो ये 3 वाला यहाँ पे आ गया, एक और 3 नंबर भी है तो ये नीचे आ गया, फिर 5 5 5, ठीक है। तो ये सेकंड को हमने सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि पहला जो नंबर है उसको सॉर्ट करेंगे। तो ये इसमें इसमें देखेंगे कि देखें सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा 3 है, तो ये 3 हमने ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ये है तो ये 3 इधर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद 4 है, तो ये पहला 4 पहले आएगा, दूसरा 4 बाद में आएगा, फिर 6 7 8। तो ये देखें कि कितनी आसानी से हमने क्या किया है, ये यहाँ पे देखें कि इसको सॉर्ट कर दिया, अपने सारे डेटे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास जो सारा डेटा आपको नजर आ रहा है ये सॉर्टेड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास है, इसको बेटा हम कहते हैं रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है जी। तो इसकी करेक्टनेस रहने दें, जस्ट बस आप इसकी यही इसको